आजकल के माता पिता बालक नेक बड़ा हो जाए तो उससे बुलवाते हैं, बोलो मम्मा, पापा, चाची, चाचा, दीदी, नाम बुलवाते हैं। अरे नहीं, बालक जैसे ही आवे, देखो कृष्ण कठिन है, वो ना भूल पाएगो, राधा। महाराज जो जिह्वा को तंतु से छुबाते हैं तब ध शब्द का प्रयोग होता है, अगर वो न भी छुबे तो ध शब्द कभी तोतलेपन में नहीं आएगा, राधा। अगर न बोल पाए तो भी, न छुबा के बोल पाए तो भी स्पष्ट ही निकलेगा, राधा। बालकों से सबसे पहले श्री किशोरी जी का नाम उच्चारण करवाओ, निश्चित ही उस बालक में कोई नाम आ गया। अनायासी सर्वप्रथम नाम महाप्रभु जी ने अपने मुख से श्री राधा किशोरी जी का कहा। खेलते हैं राधा, बैठते हैं राधा, चलते हैं राधा, अरे कहां कहें, अभी बोलना ही नहीं आता, कुछ मांगते भी हैं मैया से तो राधा 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 ऐसे ही बोलते हैं। राधा ही नाम जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं है। श्री प्रियादास जी वही बात तो कह रहे हैं कि महाप्रभु जी की स्थिति कैसी है, हितजू की रीत को लाखुन में एक जाने, राधा ही प्रधान मानो, पाछे कृष्ण दिखाई। हितजी की स्थिति है, धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, गुटमुन गुटमुन चलना प्रारंभ किया, आज तक ठाकुर जी की लीला तो खूब गाई खूब सुनी, अब रसिकों की लीला सुनो। गुटमुन गुटमुन चल करके जाते और जहां पिताजी श्री राधा मोहन लाल जी की सेवा कर रहे हैं वहां जाकर के बैठ जाते। इनके पिताजी के ठाकुर जी का नाम क्या था, राधा मोहन लाल। वहां बैठ करके अपने पिताजी की सेवा का दर्शन करते थे, कैसे सेवा कर रहे हैं। अब नन्हे से बालक को कहां भाव आता है, कहां प्रेम उमड़ता है, परंतु जैसे अभी महाराज जी आपने एक भाव का अनुभव किया होगा कि बड़े हो जाने पर जब प्रेम प्रकट होता है ना तो मुख की आकृति बिगड़ती नहीं है और अश्रु आ जाते हैं। जब आप भाव में रोते हो तो मुख की आकृति नहीं बिगड़ती, आप प्रसन्न मुद्रा में होते हो और नेत्र सजल हो जाते हैं। ये स्थिति छोटे बालकों में नहीं आती, छोटे छोटे बच्चों में ये स्थिति नहीं होती, पर श्री महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी है, वो प्रसन्न मुद्रा में राधा मोहन जी को देखते और नेत्रों से अश्रुपात होता। माँ जब आती देखती तो उनको लगता पहले रोया होगा तब के आंसू ही होंगे, उठा के ले जाती। ऐसे श्री महाप्रभु जी धीरे धीरे बड़े हुए, पिताजी से कहते सेवा में जाने के लिए साथ में, तो पिताजी बालक समझ करके पीछे ही छोड़ देते, तुम बाहर ही रहना, अंदर नहीं आना, मैं सेवा कर रहा हूं। तो बेचारे द्वार पर ही खड़े खड़े देखते। स्थिति ऐसी हुई कि अब सेवा के बगैर रहा नहीं जाता, बंशी तो कैसे रहे ठाकुर के बिना। और महाप्रभु जी के चार स्वरूप बताए गए हैं, वे आचार्य भी हैं, वे ठाकुर जी की अधर की वंशी भी हैं, वे अंतरंग भाव से सहचरी भी हैं, और श्री हित, हित का मतलब ही होता है प्रेम, प्रेम स्वरूप हैं। चार स्वरूप बताए ना श्री प्रियादास जी महाराज ने, रहे कैसे सेवा के बिना, सेवा ही उनका सर्वस्व, उसके बिना कुछ आते। पिताजी नहीं प्रवेश करने देते तो बाहर चले जाते, बच्चे तो खेलते थे, महाप्रभु जी बैठे बैठे राधा 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 चिंतन करते, उनका खेल ही सेवा है। प्रिया प्रियतम का अंतरंग विलास ही वैष्णवों की सेवा, उनका खेल ही वही है, उनकी दिनचर्या ही वही है, उनकी रहो बस, दोनों युगल सरकार प्रसन्न रहो, इसी में हमारो सुख। महाराज एक पद में पढ़ रहो कछुदना पहले, तो वह पद में और जैसे ही ठाकुर जी गए तो ठाकुर जी को पटकाऊ उरज गो, श्री जी भी उरज गई, ठाकुर जी भी उरज गए, तो सब सखियां अपने स्थान से उठ गई, अरे दोनों उरज गए चलें तो। तभी ललिता विशाखा सखी ने सब रोक लिया, बोले सुनो उरझे ही रहने दो इन्हें, बोले उरझे ही रहेंगे तो कम से कम नेत्रन के सामने तो रहेंगे, सूरज गए तो कहीं और चले जाएंगे, उरझे ही रहने दो।
अब ये कितनी अंतरंग बात है, ये महलों की चर्चा है, बाहर वाले इनको बताना पड़ेगी यह बात की महलन की चर्चा, महल में क्या होता है ये महल वाले ही जानते हैं, बाहर घूमने वाले बस अंदेशा लगाते रहते हैं ये चल रहा होगा, ये सब चर्चाएं अंदर भीतर की है, ये कौन समझे। तो रसिक जनों का खेल, रसिक जनों का जीवन, रसिक जनों की दिनचर्या केवल सेवा है ठाकुर जी की, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते वो। तो हितरवंश महाप्रभु क्या करते, अब सेवा भीतर तो मिलती नहीं, तो बालक बाहर खेल रहे होते, वो आके कहते चलो हरिवंश हमारे साथ खेलो। अच्छा नाम हरिवंश क्यों पड़ा, क्योंकि जब नरसिंह श्री इनके जो बड़े भैया थे नरसिंह आश्रम जी, जब इन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि तुम्हारे वंश में भगवान की वंशी ही प्रकट होंगी पुत्र रूप धारण करके, याद रहे तुम्हारा वंश वर्धन होने वाला नहीं था, हरि ने वंश बढ़ाया है, इसलिए अपने बालक का नाम हरिवंश रखना, इसलिए उनका नाम हरिवंश रखा गया। जिनके वंश को हरि ने ही बढ़ाया है, जिनके वंश को हरि ने ही प्रारंभ किया, वो हरिवंश। और हित नाम क्यों लगा, हित माने प्रेम, जो प्रेम प्रदायन करता है कौन, हरि ने जिनका वंश बढ़ाया वो हित हरिवंश। तो हरिवंश चलो खेलो हमारे साथ। तो हरिवंश जी कहते मेरो खेल कछु अनोखो है, कछु अलग है। अच्छा हम थोड़ी बताना भूल गए, बाद गांव में अवतार हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद वे भी फिर माता पिता के साथ देवबंदी चले गए, जन्म ब्रज में ही हुआ। तो बच्चों के साथ बोले हम अलग लीला करेंगे, क्या लीला करोगे। तो गौर वर्ण का एक बालक, गोरा गोरा बालक, उसको तो पीतांबरी पहना देते, उसके गले में हार पहना देते, उसके सिर पर मुकुट पहना देते, उसको पटका पहना करके वन के कुछ पुष्पों को लेकर के कान पर लटकाए दिए, कछु यहां कर दिए, इस प्रकार उनका श्रृंगार कर देते। और श्याम वर्ण का एक बालक, श्याम वर्ण के बालक को नीचे माताओं वाला जो होता, क्या बोलते हैं उसको, नीचे जो पहनती है, लहंगा, हाँ लहंगा, लहंगा ऊपर चुनरी, नाक में नथवे सर मैया की निकाल लाते, और श्याम वर्ण के बालक को बिल्कुल गोपी जैसा श्रृंगार कर देते। मतलब मन में भाव क्या आता कि किशोरी जी तो आज पीतांबरी पहन करके मुकुट पहन करके घूम रही हैं और श्याम सुंदर सखी बन करके घूम रहे हैं, ऐसी भावना आती उनके, परिवर्तित श्रृंगार कर देते। उनके श्रृंगार को ठाकुर जी स्वीकार करते थे, कैसे, यहां श्री व्यास मिश्र जी भोग की थाली लेकर के आए और श्री राधा मोहन लाल जी के सामने जैसी पधराई और पर्दा करके गए, थोड़ी देर बाद जैसे ही पर्दा हटा करके भोग उठाने लग, भोग उठाते ठाकुर जी को देखा, सो क्या पाया कि ठाकुर जी तो गोपी बने हुए हैं चुनरी ओढ़ करके, और किशोरी जी जो है उन्होंने मुकुट धारण कर रखो, परिवर्तित श्रृंगार उनकी सेवा में हो जाता। व्यास मिश्र जी बोले मैंने तो सुबह श्रृंगार किया था, मुकुट तो मैंने ठाकुर जी को धराया, ये ठाकुर जी चुनरी ओढ़ के काई को बैठे हैं,